चौथा नंबर प्रश्न है 8/27 इस पे माइनस में 2/3। तो दोस्तों आप सभी को अभी तुरंत बताएं कि इस माइनस को खत्म करने के लिए अंदर वाले को उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा 27/8 उल्टा देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको कि हम लोग देखिए दोस्तों आप सभी जो है कि 1 का स्क्वायर 2 फिर 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब जो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसका 4 हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा इसका 16 हो जाएगा और एक इसका 1 होगा इसका 8 होगा इसका 27 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कि 20 या 30 तक याद कर लीजिए अच्छा रहेगा। क्या है 3 का क्यूब है देखिए 3 3 9 3 27 यानी कि यहाँ पे 3 पे क्या करेंगे हम क्यू कर देंगे फिर बटे ये 2 2 9 4 4 2 8 तो यहाँ पे 2 पर क्यू दे देंगे और ऊपर में 2/3 लिख देंगे। उसके बाद फिर अब इसको उसी तरह से करेंगे यानी कि 3/2 पे पावर 3 हो जाएगा क्योंकि एक जैसा एक सूत्र देखे होंगे आप लोग कि a पे पावर n और b पे पावर n है तो ये हो जाएगा a/b पे पावर n क्योंकि दोनों एक जैसा है एक जैसा रहने और एक सूत्र होता है जैसे a पे पावर m गुना b पे पावर m बराबर ये क्या हो जाएगा ab पे पावर m दोनों गुना हो जाएगा। तो समझ रहे दोस्तों ये हाँ इसको हम ऊपर कर दिए इसके ऊपर फिर यहाँ पे 2/3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे आप नीचे लिखिएगा जगह नहीं था हम इधर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/2 पे पावर यानी कि 3 ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुना हो जाएगा 2/3 तो ये तीन कट जाएगा यानी कि आपका आ जाएगा 3/2 पे होल पावर 2 तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 × 3/2 बराबर में अब गुना कर दे 3 3 9 2 2 9 4 तो 9/4 आपका आंसर आ गया ये।